अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हिमालय है वो एक सिंगल माउंटेन रेंज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो कई माउंटेन रेंजेस से मिलकर बना हुआ है, जिसको आप इस मैप में आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पास आप देखें काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज, इनको मिलाकर हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय की नॉर्दर्न मोस्ट रेंज भी मानी जाती है। इसके बाद यदि आप देखें तो आपको बहुत कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। उसके बाद आपको बीच में देखने को मिल जाएगी मिडिल हिमालय, जिसको हम लेजर हिमालय बोलते हैं, और सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगी शिवालिक माउंटेन रेंज। और इन सभी माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन अलग अलग टाइम पर भी हुआ है। तो सबसे पहले हुआ है ट्रांस हिमालय का, उसके बाद ग्रेटर हिमालय का, बाद में मिडिल हिमालय का, और सबसे लास्ट में शिवालिक माउंटेन रेंज का। और इनका जो डिवीजन है वो आपको नॉर्थ टू साउथ में देखने को मिलेगा, और इसी डिवीजन को हम बोलते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमालय या फिर फिजिकल डिवीजन ऑफ हिमालय। अब हम इन सभी माउंटेन रेंजेस को वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं ट्रांस हिमालय की। तो इसमें आपको बहुत सी माउंटेन रेंज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें एक है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। अब हम इन सभी का लोकेशन देख लेते हैं कि मैप में कहाँ पास लोकेटेड है। तो आपको ट्रांस हिमालय में जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज देखने को मिलेगी वो है काराकोरम रेंज, और इसकी हाईएस्ट पीक है K2, और K2 दुनिया की भी सेकंड हाईएस्ट पीक है, जस्ट आफ्टर माउंट एवरेस्ट। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो ये है जास्कर रेंज, और यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगी लद्दाख रेंज। तो काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में एक रिवर फ्लो करती है, जिसका नाम है सियोक रिवर, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी भी है। और जो इंडस रिवर है वो लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीचों बीच से फ्लो करती है, जिसको आप यहाँ पास देख सकते हैं। और जो सियोक है वो बाद में इसी इंडस रिवर में मिल जाती है, और ये बाद में यहाँ पास काफ़ी डीप गॉर्जेस भी बनाती है। इसके बाद यदि आप बात करें सबसे ईस्टर्न मोस्ट रेंज की ट्रांस हिमालय में, तो उसको आपको देखने को मिल जाएगा कैलाश रेंज। और आपको ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल लेक देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम है मानसरोवर लेक। अब हम हिमालय की दूसरी माउंटेन रेंज की बात कर लेते हैं, जो है ग्रेटर हिमालय, जिसको हम इनर हिमालय और हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और ये ट्रांस हिमालय के बिल्कुल साउथ में है, और इसके लिए आप एवरेज हाइट की बात करें तो वो है 6100 मीटर, जो कि हिमालय की बाकी माउंटेन रेंजेस की तुलना में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी कंसीडर की जाती है। और इसके लिए हम एवरेज विथ की बात करें तो है लगभग 122-190 किलोमीटर। और आप एक और इम्पॉर्टेंट बात करें तो जो ग्रेटर हिमालय है वो काफ़ी कॉन्टिन्यूस रेंज है। आप देखिए यहाँ से ये शुरुआत होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको कंटिन्यू देखने को मिल जाएगी। और अदर जो माउंटेन रेंजेस हिमालय की वो इतनी ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं है, और ना ही इतनी ज़्यादा ऊंची हैं और ना ही इतनी ज़्यादा चौड़ी हैं। और इसी माउंटेन रेंज में ही आपको ना केवल हिमालय की बल्कि दुनिया की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगी। और ना केवल माउंट एवरेस्ट बल्कि दुनिया की और भी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वो इसी माउंटेन रेंज में ही पाई जाती हैं, जिसमें आप देखें चाहे वो नंगा पर्वत हो, चाहे नंदा देवी हो, चाहे गुरला मंधाता हो, या फिर कंचनजंगा हो, या नामचा बारबा हो, ये सभी हाईएस्ट पीक इसी ग्रेटर हिमालय में ही पाई जाती है। और यहाँ पास आपको बहुत से पासेस भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप बात करें तो इधर पे आपको बारालाचा पास देखने को मिल जाएगा, सिपकीला पास है, इसके अलावा आपको यहाँ पास बुमला पास देखने को मिल जाएगा। ऐसे और भी पासेस हैं जो हिमालय को दूसरी तरफ जाने में हमको मदद करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से बहुत सी जो रिवर्स हैं उनका ओरिजिनेशन भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट है गंगा एंड यमुना। अब हम नेक्स्ट माउंटेन रेंज की बात कर लेते हैं, जो है मिडिल हिमालय, जिसको हम हिमाचल हिमालय और लेजर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये बिल्कुल ग्रेटर हिमालय के जस्ट साउथ में आपको देखने को मिल जाएगी, और इसकी यदि आप एवरेज विड्थ की बात करें तो है लगभग 50 किलोमीटर, और इसकी यदि आप एवरेज हाइट की बात करें या फिर एल्टीट्यूड की बात करें तो है लगभग 1000 to 4500 meters एबव सी लेवल। और यहाँ पे आपको बहुत से इंपॉर्टेंट या फिर फेमस हिल स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप देखें यहाँ पास शिमला है, मसूरी है और नैनीताल है। इसके अलावा आपको ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय के बीच में बहुत सी वैलीज भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी एग्रीकल्चर भी की जाती है। तो उन वैलीज में यदि आप देखें तो एक है कश्मीर वैली, फिर है कुल्लू वैली, और एक है कांगड़ा वैली। और इन वैलीज को आप मैप में देख सकते हैं कि मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ जो ग्रेटर हिमालय और जो मिडिल हिमालय है
उसके बीच में यहाँ पास आपको कश्मीर वैली देखने को मिल जाएगी, फिर आपको कुल्लू वैली देखने को मिल जाएगी और कांगड़ा वैली देखने को आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो सबसे साउदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है वो है शिवालिक, और ये इस पूरे हिमालय की सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज मानी जाती है। तो हम शिवालिक के बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो ये तो आपने जान लिया कि साउदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज हिमालय की, इसलिए हम इसको आउटर हिमालय भी कहते हैं। और इसकी आप एवरेज विड्थ देखें तो बहुत ही कम है, वो है मात्र 10-50 किलोमीटर, और उसकी हाइट भी बाकी माउंटेन रेंजेस की तुलना में बहुत ही कम है, वो है मात्र 900-1100 मीटर्स। इसके अलावा आपको लेजर हिमालय और शिवालिक माउंटेन रेंज के बीच में बहुत सी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी देखने को मिल जाएंगी, जिनको हम दून्स और दुआर्स के नाम से जानते हैं। तो वेस्टर्न पार्ट में हम उनको दून्स नाम से जानते हैं, और ईस्टर्न पार्ट में हम उन्हीं लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को हम दुआर्स के नाम से जानते हैं। और जब हम कुछ इंपॉर्टेंट दून्स की बात करें तो वो है देहरादून और कोटली दून, इसके अलावा एक और है पाटली दून। तो आप समझ सकते हैं मैं ये किस रीजन की बात कर रहा हूँ, तो आप समझिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पास जो ये शिवालिक है और जो लेसर हिमालय, इसके बीच में बहुत सी जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं। तो इधर पास जो हैं वैलीज उनको हम बोलते हैं दून्स, और जो आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएंगी असम हिमालय के आसपास, तो वहाँ पास हम इनको बोलते हैं दुआर्स, जो कि काफ़ी फर्टाइल होते हैं और यहाँ पास बहुत ही अच्छी खेती की जाती है।